हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके दिए गए हैं, राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। दो दो फंक्शन, दोनों का जो मेजर फंक्शन होगा उसका डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस। यहाँ आपको देखिए पूछा गया है टेस्टिस के बारे में, तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग फंक्शन ऑफ द ओवरी देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए आप भी, मैं भी कर रही हूं। फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। दो 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 डिस्कस करना है, तो पहले वन बाय वन करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस में हम लोग देखेंगे क्या होता है इसमें। दे प्रोड्यूस मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसको नोट डाउन पहले करेंगे, फिर सेकेंड वाला देखेंगे। They produce male gametes इसको क्या कहते हैं हम लोग, called spermatozoa। कैसे होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला फंक्शन देखे। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन जो है इसका, द लीडिंग सेल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, कॉल्ड टेस्ट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है देख लेते हैं हम लोग। टेस्टोस्टेरोन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक
सॉरी, इन मेल। दाढ़ी, ये सब क्या हुए? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ओवरी का, जो हम लोगों ने चर्चा की कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। फंक्शंस ऑफ द ओवरी। इसके भी दो फंक्शन हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, दे प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। दे प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस। पहला फंक्शन हुआ। सेकेंड फंक्शन की बात हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है? द ग्रोइंग ग्रेफियन फ्लो फॉलिकल्स सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रोजेन कहते हैं, कॉल्ड एस्ट्रोजेन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। द ग्रोइंग ग्रेफीन फॉलिकल्स सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजेन एड्स द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि एस्ट्रोजेन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? तो देखिए, फीमेल में क्या-क्या हो जाएंगे? आपके ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट हो जाएंगे, ग्रोथ ऑफ
प्यूबिक हेयर हो जाएंगे। तो ये सब आपके हो गए आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेट चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।